इस जो चुनाव के दौरान है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के विरोधी स्वर उठने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह के अनुशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये है जरूर है कि या तो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या अनिल विज जी की अति महत्वाकांक्षा है जी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है। तो इसी के चलते अनिल विज जी ने जो दाव खेला है, तो सीएम पद की दावेदारी ठोकना है, वो कहीं ना कहीं अनिल विज को फायदा करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हरियाणा में नित प्रतिदिन राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो रही हैं। हर दिन कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे अनुशासित और सबसे संगठित पार्टी मानी जाती रही है। उसमें कभी भी विद्रोह के स्वर नजर नहीं आए, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो बागी स्वर एकदम से उठने लगे और बहुत से नेताओं ने इस्तीफे दिए। बहुत से लोग इंडिपेंडेंट लड़ने की बात करने लगे, तो बहुत सारे उम्मीदवारों ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की। लेकिन बीते कल एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, एक धमाकेदार खबर सामने आई कि इस हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी है, जबकि हाईकमान ने इस बार नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही। तो क्या लगता है ये अनिल विज के दावे को लेकर? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के जानकार हैं और हरियाणा की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है। उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका भी थैंक यू। मेहरा साहब, आज एक नए प्रकरण के साथ आपके सामने आया हूं। बीते कल एक बड़ा धमाकेदार बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, जो एक दिग्गज नेता है, हरियाणा अंबाला कैंट से वो उम्मीदवार है, उन्होंने बीते कल दावा ठोका मुख्यमंत्री पद के लिए, जबकि हाईकमान जो है वो उन्होंने नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री साहब आए, उन्होंने भी सैनी साहब की जो तारीफ में कसीदे पढ़े, तो इसका मतलब सीधा सीधा कि हाईकमान चाहता है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाए। ऐसे समय पर जब पार्टी पहले ही बगावत जो पार्टी में नजर आ रही है, ऐसे समय पर अनिल विज का मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोकना, इसका क्या मतलब है? राजेंद्र जी, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में बगावत की बात है, वो तो जग जाहिर हो चुकी है जी। क्योंकि जब टिकट वितरण का के समय में जिन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नाराज हुए हैं, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है और कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा क्रूशियल है ये जी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले एक बहुत इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय पार्टी को बहुत ही अनुशासित पार्टी माना जाता रहा जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कैडर बेस्ड पार्टी मानते हैं जी। जैसा हाईकमान ने जो भी निर्देश दिया वो उन निर्देशों के अनुपालना स्टेट में स्टेट इकाई किसी भी तरह से वो विरोध में नहीं जाती, नहीं जाते थे बिल्कुल। तो आज अभी जो इस जो चुनाव के दौरान है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के विरोधी स्वर उठने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह के अनुशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब कल का जो स्टेटमेंट अनिल विज जी की आई है, अनिल विज एक बहुत ही क्या नाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और हैं। अनिल विज अब से पहले 6 बार जी, हाँ 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं जी जी, और 7वीं बार अभी जो चुनाव मैदान में है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ, अगर सबसे वरिष्ठ अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज। तो अनिल विज ने जो ध्यान दिया है सीएम मुख्यमंत्री का पद का दावा जो ठोका है,
वो मुझे लगता है बात अनिल विज की बड़ी सोच समझ कर ये दावा किया है, क्योंकि अनिल विज इतने वरिष्ठ हैं, अनिल विज ने ये सोच लिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। और पिछले दिनों अनिल विज जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उस मीटिंग से उठ के बाहर भी आ गए थे। जी जी बिल्कुल। नाराजगी उन्होंने प्रकट की थी और नाराजगी में सीधा सीधा दिखा था कि वो उनकी वरिष्ठता को उस समय उनकी नाराजगी की चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई थी। इसके साथ साथ जब पिछली इसी सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में जब अनिल विज जी गृह मंत्री थे और अनिल विज जी का और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे उनके रिश्ते आप लोगों को पता जग जाहिर है। जी जी उनका इतना मिठास उनके उन रिश्तों में नहीं रही है बिल्कुल। और इसलिए अनिल विज को तो अब टिकट वितरण से पहले ये लगने लगा था, ये अंदेशा भी हो चुका था मुझे लगता है जी कि उनकी टिकट पर कहीं कहीं बादल मंडरा रहे हैं। तो टिकट मिलने के बाद अनिल विज ने जो दावा ठोका है ये मतलब टिकट पर भी सवालिया निशान था उनके, सवालिया निशान हो गया। पत्रकार लोग प्रेस के लोग पूछते थे क्या आपकी बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। जी जी। और अब इस प्रकरण टिकट मिलने के बाद अनिल विज का जो बयान कल आया है उसमें मुझे लगता है अनिल विज जी आर पार के मूड में है, मतलब आर पार की मूड में है कि अगर अभी अब नहीं तो कभी नहीं, मुख्यमंत्री की का पद अब नहीं आया मिला तो फिर कभी नहीं। उनको शायद लगता है कि उम्र के उस पड़ाव पर है भी अगले चुनाव पर के लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या किस तरह के हालात होंगे आने वाले चुनाव में, तो वो चाहते हैं कि इस बार वो इस पद के लिए दावा ठोके। बिल्कुल 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 जी। और ये एक चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने बात की पहले बहुत अनुशासित पार्टी रही है, ऐसा किसी स्टेट में मुझे लगता पहले हुआ नहीं है। जब दो बार जो नायब सिंह सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको डिक्लेयर किया जा चुका हो, अमित शाह जी ने एक जनसभा में घोषणा की थी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर अगला चुनाव चुनाव लड़ा जाए। जी जी जी। और इससे इसके बाद जो वीर साहब का जो कल बयान आया है उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के चुनाव के प्रभारी हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जी उन्होंने भी रिपीट किया कि ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए पिछले 10 साल से सत्ता पर है भारतीय जनता पार्टी, उसका कहीं ना कहीं कारण ये रहा है कि इसकी जो संगठन रहा है वो बहुत मजबूत और बड़ी अनुशासित पार्टी इसको माना जाता रहा है। दूसरी पार्टियां खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी इस तरह से विरोधी स्वर ये बड़ी आम सी बात रही है, हर बार चुनाव में ऐसा होता रहा है कि यहां से बहुत सारे लीडर जो हैं उनके बागी सुर आए हैं, क्योंकि कैंडिडेट ही इतने ज्यादा होते थे हर बार हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि हर बार ये दिक्कतें पेश आती रही हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी इस तरह से विरोधी स्वर कहां लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में एक गुटबाजी का एक आरोप लगाती रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर कहते रहेंगे भारतीय कांग्रेस पार्टी में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री और कुमारी सैलजा बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से 2-3 गुटों में वो बांटते रहे हैं बीजेपी के लोग बिल्कुल कांग्रेस को भी। और आज भारतीय जनता पार्टी उस आरोप से अछूती नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कहते हैं ये जैसे कुमारी सैलजा ने ये कहा कि सीएम पद का जो है ना निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी। और इसी प्रकार से जो अनिल विज ने कल बयान दिया है उन्होंने भी ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और अंतिम निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है वो अंतिम निर्णय वो करेगी, लेकिन उन्होंने दावा भी ठोका है। इसी प्रकार से कुमारी सैलजा भी कहती रही। और अगर कांग्रेस की बात करें या कुमारी सैलजा की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनकी गुटबाजी जग जाहिर रही है। कांग्रेस में ये चीजें पिछले लंबे अरसे से चलती आ रही है और कांग्रेस से टूटकर बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सी नेशनल पार्टियां खड़ी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का ढांचा कभी भी नहीं रहा है, इस तरह का सिस्टम वहां पे कभी भी नहीं रहा है। क्या ये जो इस बार हो रहा है हरियाणा में इसकी देखा देखी ये बाकी प्रांतों में भी होगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ले जाएगा?
देखिए राजेंद्र जी, जैसा गुटबाजी की बात करें, आपने बात की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी कह सकता हूं मैं, ये जग जाहिर लोगों के सामने आ चुकी है जी। और इस गुट, पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या क्या है, या अनिल विज जी की महत्वाकांक्षा है, इस बारे में तो पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन ये है, जरूर है कि या तो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या अनिल विज जी की अति महत्वाकांक्षा है जी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है, दोनों उस देखिए रणनीति की जहां तक आप बात करते हैं, मैं मानता हूं कि हो सकता है इनकी रणनीति ऐसी कुछ हो, लेकिन अपनी ही पार्टी में बागी सुर खड़े करना, ये कौन सी रणनीति? बिल्कुल, लेकिन आम रणनीति हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक में जो एक मैसेज गया है, जो एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी खुल के सामने आ चुकी है, कहीं ना कहीं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लेके आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाती रही गुटबाजी का, वो उससे मैंने पहले भी कहा है भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, चाहे टिकट वितरण के समय की बात हो, कितने बड़े दिग्गज नेताओं ने कईयों ने रिजाइन किया, कई चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिंह। इवन मैं ये कहूंगा भी जिनको टिकट नहीं मिली है, बेशक उन्होंने विरोधी सुर उनके नहीं सुनाई दिए लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये टीस जरूर रहती है कि मैं एक लंबे अरसे से विधायक रहा हूं या मैं मंत्री रहा हूं और इस बार मुझे टिकट नहीं दी गई, तो वो टीस कहीं ना कहीं अंदर से विद्रोह की चिंगारी को पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए राजेंद्र जी, एक ट्रेंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पद मांगे नहीं जाते, पद भारतीय जनता पार्टी में दिए जाते हैं, और ये जो पद मांगने की जो लालसा है, ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ भी हुई थी, उन्होंने भी कई बार दावा किया था, और रामविलास शर्मा को अब लालकृष्ण आडवाणी जी वाली कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अगला जो वो जो स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अनिल विज जी को उसी कैटेगरी में डालने का स्टेप था, लेकिन अनिल विज जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी उस कैटेगरी से बचा लिया है, और अनिल विज भी शायद यही सोचकर कहा कि अगली बार शायद तुम्हारा भी ये इसी कैटेगरी में आपको डाल दिया जाए, टिकट की, तो इससे पहले हम सीएम पद का दावेदार की दावेदारी ठोके, तो इसी के चलते अनिल विज जी ने जो दाव खेला है, तो सीएम पद की दावेदारी ठोकना है, वो कहीं कहीं अनिल विज को फायदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर है, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, संगठित पार्टी होने का दावा करती है, इस तरह से नेताओं की महत्वाकांक्षा कहीं पार्टी को गर्त में तो नहीं ले जाएगी? हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करूं तो मैं, देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप मजबूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वो एक ब्रांड नेता के रूप में वो है, जब तक उनकी जो नेतृत्व तो मजबूत है, तब तक भारतीय जनता पार्टी इसके इसके साथ ही सवाल है, मैं सॉरी हाँ, आपको मैं टोक जाते हैं, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके साथ ही मिलता जुलता जवाब सवाल है कि मैंने आपको कहा कि कहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव में, मतलब इसका असर क्या रहेगा ये हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, मैं ओवरऑल मतलब पूरा कंक्लूजन चाहता हूं उस पे। असर अगर जब हम रणनीति की बात करते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच के इस तरह का बयान आगे आया है बी साहब का, ये एक जैसा हमने पहले कहा कि रणनीति हो सकती है तो उनकी अति महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, और जो ये संदेश लोगों में जनता में ये संदेश जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक होगा। लेकिन दूसरी ओर जो अति महत्वाकांक्षा के चलते अनिल विज जी ने जो बयान दिया है, उससे इंडिविजुअल रूप से अनिल विज को इस चुनाव में फायदा होगा। अच्छा, इस चुनाव में इससे अनिल विज को पर्सनली इस चीज का फायदा हो सकता है, अपने वोटर को साधने का, अपने जो 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 अपने विधानसभा के वोटर जो उनको
एकजुट करने का, उनके पक्ष में साधने का उनके के लिए उनको उसको फायदा हो सकता है। दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि पंजाबी वोटर को साधने का भी उनका एक रणनीति हो, लेकिन ये वोटर ने सोचना ये कहां तक उनके साथ। आप ये कहना चाहते हैं कि ये उनका ये बयान, उनका ये दावा ठोकना कहीं ना कहीं उनकी एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हो सकता है कि वोटर को साधने के लिए कि अगर मैं बहुमत लेकर जीतता हूं तो मैं दावेदारी ठोक सकता हूं और मैं अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर सकता हूं। देखिए अनिल विज जी का ये रहा है कि बहुत सोच समझ के वो जो सार्वजनिक बयान देते हैं, वक्तव्य देते हैं, बहुत सोच समझ कर देते हैं और बहुत पुराने धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो, सातवीं बार अभी विधायक बनने जा रहे हैं। बड़ा सोच समझ के उन्हें अपनी इंडिविजुअली रणनीति तो कम से कम उन्होंने तय की है और ये मुझे लगता है ये रणनीति उनके जो चुनाव में, उनके चुनाव में तो काम आई। नहीं, ओवरऑल हरियाणा की जो विधानसभा चुनाव है इसके ऊपर ये जो बागी स्वर है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के, या इस तरह के बयानबाजी है, या रामविलास शर्मा की मैं ही बात करता हूं, उनकी नाराजगी, चाहे वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने ओपनली कहा है कि मैं सपोर्ट करूंगा, इस तरह के और बहुत सारे नेता है, तो ये सब चीजें क्या क्या कैसे समीकरण बन सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव। देखिए राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतिहास है, पहले कभी इस तरह की विरोधाभास या नाराजगी लोगों में नहीं देखी गई। इस बार है ना, जो टिकटों के वितरण में भी और टिकटों के बाद जो मान मनोबल हो रही है उसमें भी नाराजगी है। कई लोग, एक दो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात को माना है, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करने से अपने आप को रोक लिया है। और लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी स्वर में, पार्टी में जो विरोधी स्वर उभरे हैं, ये कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बागी स्वर, उसकी गुटबाजी और इस तरह के बयान, बिल्कुल जो है ओवरऑल जो है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुटबाजी से अब ना भारतीय जनता पार्टी अछूती है और कांग्रेस तो अछूती पहले भी नहीं थी जी, इसलिए किसी एक दूसरी पार्टी गुटबाजी के बारे में आरोप नहीं लगा सकती और गुटबाजी दोनों में है। बिल्कुल ठीक है, पहले कांग्रेस में थी, अब जग जाहिर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में भी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका खामियाजा होगा। सो दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अब तक की सबसे अनुशासित और सबसे संगठित पार्टी माना जाता था। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी की बात करें तो वो एक आम बात थी, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा में बिल्कुल समीकरण जो है वो दूसरी तरह के नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत और गुटबाजी और इस तरह नेताओं के बड़े बोल सामने आ रहे हैं। लगता है कि ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। खैर, ये जो भी होने वाला है ये आने वाली 8 अक्टूबर को हमारे सामने आ जाएगा। तब तक हर चुनाव की अपडेट के लिए आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजेंद्र जी, थैंक यू।